भारतीय जनसंघ के संस्थापक पूजनीय दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के आज के इस दिन पूरी दुनिया में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे देश के एक राष्ट्रपुरुष थे, जिन्होंने राष्ट्रीय विचारों को पूरे भारत के बच्चे बच्चे में प्रवाह करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। वो एक सच्चे राष्ट्रवादी थे, क्रांतिकारी थे। जंगे आज़ादी के उस महासमर में भी उन्होंने एक विद्यार्थी के नाते से हमेशा भाग लिया, और स्वतंत्र भारत में जब भारतीय जनसंघ का गठन हुआ तो भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक महत्वपूर्ण संस्थापक स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी थे। उन्होंने हमेशा समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के उत्थान का कार्य किया। वो कहते थे सामाजिक जीवन में हर प्रकार के व्यक्ति का सहयोग करना चाहिए, समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प पर उन्होंने काम किया। लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है। वो कहते थे व्यक्ति को देश और समाज के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव से काम करना चाहिए, संपूर्ण निष्ठा से काम करना चाहिए, और जब देश का और समाज का काम करना है उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। राष्ट्र और धर्म की जब सेवा रक्षा करनी हो वो बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी लालच के करना चाहिए।